नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर टू कराएंगे। इसके पहले हमने पार्ट वन कराया था और उस पर हमने बताया था कि कोई गोलाकार यानी वृत्ताकार इस तरीके से लोग वहां बैठते थे चारों तरफ, ठीक है ना, और उनका जो मुंह रहता था केंद्र की ओर रहता था। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जब वृत्ताकार लोग बैठे होंगे और वो जो मुंह उनका होगा यानी केंद्र से बाहर की तरफ होगा तो उसके सवाल कैसे बनते हैं इस वीडियो में समझते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बाहर की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर खड़े होकर एक खेल रहे हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है आर ना तो पी और ना ही वी के बगल में खड़ा है, एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, टी डब्ल्यू के बगल में और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, क्यू यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर खड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एस और टी के बीच में खड़ा है, ठीक है ना। अभी के सवाल अगर आप समझ गए होंगे तो पहले इसको हमें लगाना है वृत्ताकार रूप में, कैसे आपको लगाना है। अगर आपने ये दर्शा लिया कि जो लोग बैठे हुए हैं कहाँ की जगह बैठे हुए हैं तब तो लग गया। अब मान लो वृत्त के केंद्र की ओर देखते हैं ना, तो वृत्त के केंद्र की ओर जब देखते हैं जब लोग बैठते हैं ना, तो जैसे हमने कहा इधर हमारा दायां है तो इधर बायां है, यानी इधर राइट इधर लेफ्ट, तो वही डायरेक्शन होती है। लेकिन जब बाहर की तरफ देखेंगे ना तो बाहर की तरफ हमारा राइट इधर होगा तो लेफ्ट इधर होगा, यानी उल्टा हो जाता है। तो जब अंदर वाले हम सवाल करवाए थे, जब लोग अंदर की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे, तो उस पर हमने बताया था ना कि हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे करेंगे ऊपर से। तो पहले जो लोग बैठे हुए हैं ना, आठ लोग हैं, तो पहले उनको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। देखो पहले तो आपको तरीका पता होना चाहिए। तरीका का मतलब ये है, इसके जस्ट सामने इसको बैठाना है, इसके आमने सामने ये, इसके आमने सामने ये, इसके आमने सामने ये, होता है पैटर्न, ठीक है ना। बाहर की तरफ बैठे हैं तो स्टार्टिंग हमें यहां से करना है। अब सवाल की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है आर, आर ना तो पी और ना ही वी के बगल में खड़ा है। इसका मतलब आर यहां पे मान लो खड़ा होगा, ना तो इसके बगल में P है ना तो V है, तो P और V को छोड़ दीजिए, इनकी अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते लिखा हुआ एस पी के बगल में खड़ा है। अब देखो एस पी के बगल में खड़ा है ना, तो S को ऐसा करते S को यहां बैठा देते, S जो है P के बगल में खड़ा है। देखो एस पी बगल में हो गए, एस पी के बगल में खड़ा है, हमने अगल बगल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ लेकिन डब्ल्यू के नहीं, तो इसका मतलब यहां पर डब्ल्यू नहीं बैठेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि डब्ल्यू के इसके बगल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बैठा दिया एस और पी। आगे बढ़ते, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एस यहीं पे लिखेंगे, अगर यहाँ एस लिखोगे यहाँ पी लिखोगे ना तो यहाँ डब्ल्यू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू आएगा ही नहीं उसके बगल में, ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा है। आगे बढ़ते, आगे लिखा हुआ टी डब्ल्यू के बगल में। अच्छा अब देखो टी जो है इधर अगल बगल है तो इधर ही भी अगल बगल लिखेंगे, यानी टी जो है डब्ल्यू के बगल में, इस तरीके से आपको लिखा जाता है, ठीक है ना, तभी आप कर पाएंगे। टी जो है डब्ल्यू के क्या है बगल में है और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर और वर्ड लगा है, और लगा होता है, ठीक है ना, लेकिन लगा होता है, तो जैसे इसमें चर्चा किया है एस पी के बगल में, देखो एस पी के वाला तो हो गया। अब हम बात करते हैं टी, जैसे यहाँ पे लिखा था ना टी जो है डब्ल्यू के बगल में, ये लिखा हुआ है टी जो है डब्ल्यू के बगल में। देखो चीजों को पहले समझ लेंगे ना तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। टी डब्ल्यू के बगल में ये दो नाम लिखे हुए थे, एक टी है और एक डब्ल्यू है। अब आगे जो लिखा हुआ है और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, और लगा हुआ है ना, तो देखिए और जब लगा होता है तो इसके लिए होता है, अगर यहाँ पर लेकिन लगा होता तो भी इसके लिए होता, लेकिन अगर जो वर्ड लगा होता तो फिर वो इसके लिए होता है, सेकेंड वाले के लिए। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, टी डब्ल्यू के बगल में हमने कर दिया। आगे लिखा हुआ है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, इसका मतलब टी जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखो यू कहाँ बैठा होगा, यू के दाईं ओर बोला है ना, तो यू को अगर यहां बैठा दो, इसके दाईं ओर पहला दूसरा यहां पे बैठा लो, क्योंकि टी की बात हो रही ना, तो इसका जब दाया होगा इस साइड पे होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, देखो तीसरे नंबर पे टी है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया है। आगे पढ़ते हैं क्यू यू के बगल में, इसका मतलब क्यू हो सकता है यहाँ बैठा हो या यहाँ भी बैठ सकता है, हमने यहाँ बैठा दिया है,
क्यू जो है यू के क्या है बगल में है और एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर खड़ा है, एस के बाईं ओर। अब देखो एस के बाईं ओर, ये इधर की तरफ देख रहा होगा मुंह, इधर इसका दायां होगा, इधर बायां होगा, क्या चौथे स्थान पर है बाईं तरफ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका मतलब हमने जो क्यू को इंडिकेट किया है बिल्कुल सही किया है, यहीं पे क्यू बैठेगा। अब आपके नंबर कौन कौन से हो गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा है ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, अब यहां से कुछ भी पूछे कि पी के बगल में कौन है, बाएं कौन है, कौन है, सब बता देंगे। लेकिन पूछा क्या गया था, एस और टी के बीच में कौन खड़ा है, अब नहीं बता पाएंगे। एस और टी के बीच में कौन खड़ा है, आर खड़ा है। तो बस ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर जो दिया हुआ है आर, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, उसको समझने की कोशिश और करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक घेरे में बाहर की ओर मुंह करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं, एन एल और आर का पड़ोसी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं है, पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एम क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, निम्नलिखित में से कौन ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। देखिए जिसके पहले जो सवाल करवाया था उसी टाइप के ये भी है। अब तेजी से करते हैं, पहले आपको ऐसे एक सर्कल बना लेना है, बना लेंगे, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ड्रा कर लेंगे, बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। स्टार्टिंग हमें यहां से करना है, सबसे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं, लिखा हुआ एन एल और आर का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जो एन बैठा है ना इसके बगल में ना तो एल है ना तो आर है, छोड़िए इसको। आगे पढ़ते हैं, ओ एल का पड़ोसी है, इसका मतलब ओ जो है एल का क्या है, पड़ोसी है, ओ एल का पड़ोसी है लेकिन एस का नहीं है, इसका मतलब एस तो चलो ठीक है सही है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ लेकिन ये हो गया, लेकिन अब आगे लिखा पी एस का पड़ोसी है, इसका मतलब पी यहाँ पे होगा, पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो क्यू के दाईं ओर, इसका मतलब क्यू यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे दाईं ओर बोला है ना, इधर की तरफ मुंह करके बैठेगा ना, दाया इधर आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे बोला गया है। पहले इन्होंने बात किसकी की है, पहले बात की है पी एस का यानी पी वाले को, तो पी वाले पे देखो तीसरे नंबर पे नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल पहले वाला जो सवाल था ये वाला, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज में अंतर है, नंबर बदले हुए हैं, पैटर्न तरीका सब वही है, इस तरीके से आप बैठा लेंगे तेजी से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया, आगे लिखा हुआ है एम क्यू का पड़ोसी है, एम यहाँ पे बैठा होगा, एम क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर रह गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब यहां पर कौन नंबर रह गया है, एल एम एन ओ के बाद पी क्यू आर, आर यहां बैठा दो बस हो गया। प्रश्न में पूछा है ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, ओ के बाएं, बाएं ये है ओ के बाएं, इधर की तरफ मुंह करे होगा ना, इधर दायां होगा, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा, इस तरफ। तो प्रश्न में क्या है, बाएं से तीसरे यानी पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे कौन आया, एस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी हो जाएगा राइट आंसर एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब केंद्र से बाहर की तरफ खड़े होते हैं लोग, तो इस तरीके से आपको लगाना है, पैटर्न को आपको फॉलो कराना है तेजी से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लगा लेंगे, इससे और भी सवाल बन सकते हैं, कुछ और भी पूछ सकता है। तो अंदर वाले हमने इसके पहले पार्ट वन में कराया था, हमने पार्ट टू में इसका बाहर वाला भी करा दिया है। एक दो सवाल और देख लेते हैं जो हमारे पंक्ति से रिलेटेड होते हैं ना, उनको देख लेते हैं कैसे आपको करना है। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पांच दोस्त हैं, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो, उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ अरुण बाला के बगल में बैठा है, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, दिनेश कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो इन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है, कौन किसके बगल में, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में मैं एक ऐसे पॉइंट में जाते हैं, या तो बिल्कुल कोई बायां बताया हुआ या कोई दायां, ठीक है ना, पहले उसको बैठा देते हैं। पांच दोस्त है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए, मान लो उत्तर इधर होता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, पांच हैं, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए और ये पांच, ठीक है ना, चलो उत्तर की तरफ देख रहे हैं ना, अगर हमारा इधर दायां है तो इनका भी यही दायां होगा, इधर बायां है तो इधर बायां, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इधर वाला जो भाग है ये लेफ्ट होगा और इधर वाला भाग क्या होगा, लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा, ठीक है ना, राइट हमारा भी है इधर भी होगा।
जब दक्षिण की तरफ देखते हैं ना तब उल्टा होता है। ठीक है चलो, सबसे पहले इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। इसका मतलब जो इलंगो है बेंच के बाएं, बाएं का मतलब सबसे बायां, यही है। तो यहाँ पर इलंगो बैठा है यानी ये फिक्स है पहले से ही, इलंगो को पहले इन्होंने फिक्स कर दिया है कि सबसे बाएं बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये, यानी यहाँ पर चीनू बैठा हुआ है। चलो चीनू का भी स्थान क्लियर हो गया। आगे देखते हैं और कुछ लिखा है, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिनेश चीनू के बगल में बैठा। अच्छा दिनेश जो है, दिनेश दिनेश जो है चीनू के बगल में बैठा है, तो चीनू के बगल में बैठा है तो हो सकता है दिनेश यहाँ बैठा होगा, इसके बगल बैठा दिया, यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, दिनेश के बगल में बैठा है, दिनेश इलंगो के साथ। अच्छा दिनेश को यहाँ नहीं बैठा सकते थे, वैसे यहाँ भी बैठ सकता था। चलो आगे पढ़ते हैं, और इलंगो बेंच के ये हो गया चीनू, हाँ चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। अरुण बाला के दाई ओर बैठी है, अरुण अरुण जो है बाला के दाई ओर, बाला के दाई ओर, बाला यहाँ बैठा होगा तो अरुण यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अरुण जो है बाला के दाई ओर हो गया ना, इसका मतलब दिनेश को हम यहाँ नहीं बैठा पा रहे थे, नहीं बैठता अरुण के। देखो अरुण अरुण जो है ना बाला के क्या है, अब दाई ओर ही तो बैठा है ना, अरुण बाला के दाई ओर, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है तो सब कुछ सही है। दिनेश कहाँ पर बैठा हुआ है, दिनेश कहाँ पे बैठा हुआ है, दाएं छोर पे बैठा हुआ है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है दाएं छोर पर बैठा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बैठालना है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है कि कठिन हो, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी टाइप के एक सवाल और है, उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 लड़के हैं UVXYZ एक पंक्ति में, और जो 6 लड़कियां हैं IJKLM और N एक दूसरी पंक्ति में, इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए है। अच्छा ठीक है, मतलब 6 लड़के हैं 6 लड़कियां आमने सामने मुंह करके खड़े हुए हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अच्छा आई उस लड़के के ठीक दाई ओर खड़ी है, जो दाई छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, केवल वी जो है एक्स और वाई के बीच खड़ा हुआ है, और जेड जो है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एक यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है दिख रहा है। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं बॉयज हैं, और इधर हम मान लेते हैं गर्ल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इधर की तरफ मुख किए हुए हैं, ये इधर की तरफ किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है ना। इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है ना, इधर गर्ल्स हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट को पढ़ते हैं, इसमें सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या दिया है। अच्छा खड़े हैं, ठीक है, लिखा है प्रत्येक लड़की, चलो ठीक है ये भी हो गया। लिखा आई जो है उस लड़की के ठीक दाई ओर खड़ी है, जो दाई छोर पर, अब देखो दाई छोर पर लड़के वाई की ओर, अब देखो दाई छोर पर, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे कौन है वाई है, ठीक है ना। दाई छोर पे कौन है, वाई है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है दाई छोर पर, और यहाँ पे कोई ना कोई लड़की है, हमको नहीं पता है कौन है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दाई छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह किए, ठीक है ना। लड़की आई उस लड़की के ठीक दाई ओर है, दाई ओर का मतलब लड़की यहाँ पे, तो यहाँ लड़की कौन है, आई है, यानी इसके बगल में जो लड़की है हमें नहीं पता है, लेकिन इस लड़की के जस्ट दाई तरफ आई है, और ये लड़की जो पहले बैठी है ये वाई की तरफ मुंह करके खड़ी है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना, समझ गए। आई उस लड़की के ठीक दाई ओर खड़ी है, जो दाई छोर पर खड़े लड़के वाई की ओर मुंह करके, अब लड़की हमें कंफर्म नहीं है यहाँ पर कौन है, आगे पढ़ते तब आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया, अब आगे पढ़ते, लिखा वी जो है एक्स और वाई के बीच खड़ा है। अच्छा वी, इसका मतलब वी यहाँ पे होगा तो एक्स यहाँ पे होगा, ये कंफर्म हो गया है, वी एक्स और वाई तीनों लड़कों के स्थान कंफर्म हो गया है, ठीक है। जेड आगे लिखा हुआ, जेड जो है जेड यू के ठीक बाई ओर, देखो जेड जो है यू के ठीक, जेड जो है यू के ठीक बाई ओर है, और डब्ल्यू के ठीक दाई ओर खड़ा हुआ है, डब्ल्यू के ठीक दाई ओर, इसका मतलब डब्ल्यू के ठीक यानी दाई ओर, तो दाई ओर ठीक है, हाँ तो डब्ल्यू मान लो यहाँ अगर है तो डब्ल्यू के ठीक दाई ओर कौन होगा, डब्ल्यू के ठीक दाई ओर यानी जेड यू के ठीक बाई ओर, और डब्ल्यू के ठीक
अच्छा जेड, तो जेड यहाँ पे होगा, आयु यहाँ पे होगा। अब देखो जब मान लो ऐसे देख रहे होंगे दक्षिण की तरफ, तो इधर का दायां होगा ना, तो देखो ये इसके दाएं जेड है कि नहीं है, और यू के क्या है, यू यू के बाईं ओर है कि नहीं है, यही तो बोला है। देखो यही बोला है, जेड दो है यू के बाईं ओर है, यानी जेड यू के बाईं ओर है, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू के दाईं ओर है। बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो ये भी क्लियर आपका हो गया, यानी लड़कों के स्थान पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया ना पूरा, जेड यू के ठीक बाईं ओर, डब्ल्यू ठीक दाईं ओर खड़ा है। चलो के जो है यू की ओर, अच्छा के जो है यू की ओर, अच्छा के यहाँ पे है यू की ओर मुंह करके खड़ी है। चलो और जो जे के ठीक बाईं ओर, अब देखो जे के ठीक बाईं ओर यानी जे, ठीक है ना, जो जो लगा है ना कहाँ गया, और जे के ठीक बाईं ओर यानी जे के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल सही है, बाईं ओर जे के ठीक बाईं ओर खड़ी है। एन एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एन जो है एल के बाईं ओर से, एन जो है एल के बाईं ओर से, देखो यहाँ पर जो एन है ना एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इसका बायां इधर होगा ना, पहला स्थान दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, ठीक है ना, तो तीसरे स्थान पे कौन है, एन है। चलिए हो गया ना, अब यहाँ पर देखिए कौन से नंबर बचा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर बचा हुआ है एम वाला, तो एम यहाँ पे बैठा होगा, एम जो लड़की यहाँ पे बैठी होगी। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया जे की ओर मुंह कौन किए हुए, अब बताओ जे की ओर, अच्छा जे की ओर मुंह कौन किए हुए है, जेड, कौन मुंह किए हुए है, जेड, यही तो पूछा है ना, जे की ओर कौन मुंह किए हुए है, जेड, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेड, ठीक है ना। चलो तो उम्मीद है समझ गए होंगे, तो इस तरीके से आपको सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद है कि पार्ट वन पार्ट टू दोनों अगर देख लेंगे तो आपका काफी सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी वीडियो में डाउट वगैरह होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर जरूरत पड़ेगी तो अगला वीडियो कोई बना देंगे, ठीक है ना। वीडियो देखिए दोस्तों, धन्यवाद।